बांग्लादेश के का जिक्र करते हुए बांग्लादेश के तख्ता पलट की कुछ बातें बताएंगे, जहां पर शेख हसीना की 15 साल की सत्ता देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर चली गई। आरक्षण के जिन्न ने शेख हसीना को न सिर्फ सत्ता से हटा दिया बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। जनता के प्रधानमंत्री के घर की तरफ कूच कर लिया गया जनता की तरफ से और चारों तरफ उपद्रव देखने को मिला। हसीना देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश की जनता को संबोधित करना चाहती थी लेकिन ये हो ना सका। सेना ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना ने भारत की शरण ले ली और कल देर शाम उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां अब भी शेख हसीना मौजूद हैं और वहां से उनके लंदन जाने की अटकलें सामने निकल कर आ रही हैं। तो आज हम बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि बांग्लादेश की हसीना का अब क्या होगा, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं और बांग्लादेश में पैदा हुए इस संकट के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल बांग्लादेश में हसीना राज का द एंड हो गया है और अराजकता बांग्लादेश की सड़कों पर देखी जा रही है। अब बांग्लादेश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल आज हर किसी के जेहन में है। वहीं सेना की तरफ से अंतरिम सरकार देने की बात कही गई है, ये सरकार बांग्लादेश को कब मिलती है ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो डराने वाली हैं और बीते दिनों जिस तरह से श्रीलंका की स्थिति थी वैसी ही स्थिति अब बांग्लादेश की नजर आ रही है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो पीएम पूर्व पीएम शेख हसीना के आवास के अंदर का ये वीडियो है, जहां पर उपद्रवी घुस गए, प्रदर्शनकारी घुस गए और ऐसे में देखिए इस तरह से इस प्रदर्शनकारी की तरफ से विरोध किया गया। तो फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में मौजूद है लेकिन बांग्लादेश इस वक्त अराजक तत्वों की हिंसा देख रहा है, आगजनी की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जेल से कैदियों को फरार किया गया है, भयावह तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही हैं। तो बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है जिसको लेकर भारत की इस पर पूरी नजर है। ऐसे में भारत की तरफ से बॉर्डर्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई जहां पर केंद्र सरकार के नेताओं की तरफ से भारत के कदम को लेकर तमाम दलों से चर्चा की गई, बातचीत की गई, लेकिन शेख हसीना को लेकर स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। और देखिए किस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त का माहौल देखा जा रहा है। ये कल का वीडियो है जब पीएम हाउस में ये हुड़दंगी उपद्रवी घुस गए थे, प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़फोड़ भी की गई थी और यहां तक कि शेख हसीना की साड़ियां तक लूटकर ले गए थे प्रदर्शनकारी। तो देखिए नौकरी में आरक्षण का ये मुद्दा जिसको लेकर 2 महीने से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और आखिरकार ये प्रदर्शन इस हद तक पहुंच गया कि कल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी और कुछ ही मिनटों में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, फिलहाल भारत में मौजूद हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत में वो शरण लिए हुए हैं लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव का, हिंसा का दौर फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बांग्लादेश में सेना क्या कदम उठाती है, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से संसद को भंग कर दिया गया है, अब कब अंतरिम सरकार मिलेगी बांग्लादेश को यह एक बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें देखिए डराने वाली ये तस्वीरें हैं, किस तरह से वहां पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला, भीड़ अनियंत्रित भी नजर आई। तो बांग्लादेश से ये तस्वीरें, श्री
शेख हसीना से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तख्ता पलट के बाद भारत पहुंची हैं कल शेख हसीना। आपको बता दें कि कल ही शेख हसीना भारत पहुंची थी, जिस पर लगातार भारत एक्सप्रेस ने आप तक अपडेट भी पहुंचाई थी। फिलहाल देखिए, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में वो मौजूद हैं, तो वो लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती हैं। इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कदम होता है शेख हसीना का आगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो तख्ता पलट के बाद भारत में सेफ हाउस में मौजूदगी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। फिलहाल उन्होंने भारत की शरण ली है, भारत में मौजूद है। आगे उनका क्या कदम होता है, वो लंदन जाती हैं या फिर फिनलैंड, इसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको ये भी दे दें कि कल वायुसेना के जिस विमान से बांग्लादेश से पहुंची थी हिंडन एयरबेस शेख हसीना, वो फिलहाल रवाना हो चुका है। बांग्लादेशी वायुसेना का ये विमान जो है वो रवाना हो चुका है। अब क्या कदम होता है भारत सरकार की तरफ से उठाया जाता है स्थिति को देखते हुए, और शेख हसीना का आगे क्या रुख रहता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती हैं शेख हसीना, इसको लेकर लगातार चर्चा तेज है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर, बांग्लादेश वायुसेना का विमान लौटा, जो हमने आपको जानकारी दी, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। बांग्लादेश वायुसेना के विमान C-130J ने फिलहाल उड़ान भर ली है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर कड़ी नजर रखी हुई हैं। तो देखिए, जो अपडेट हम आपको दे रहे थे, ये बड़ी जानकारी, जिस वायुसेना के विमान से, बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से शेख हसीना कल भारत पहुंची थी, वो फिलहाल रवाना हो चुका है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार बांग्लादेश की स्थिति को लेकर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी भी तेज देखी जा रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश वायुसेना का ये विमान उड़ान भर चुका है, रवाना हो चुका है। तो बांग्लादेश की स्थिति जिस पर लगातार भारत की नजर है, भारत आगे क्या रणनीति इसको लेकर बनाता है, इस पर भी हर किसी की निगाहें हैं। पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, ऐसे में शेख हसीना ने भी भारत को चुना क्योंकि सेफ है भारत उनके लिए भी, और फिलहाल वो सेफ हाउस में मौजूद हैं। वहीं संसद भवन में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बांग्लादेश के हालात को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी। तो देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी, बैठक में तमाम नेता मौजूद थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री की वहां पर मौजूदगी थी। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो चुकी है, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मीटिंग में शामिल हुए, और देखिए क्या कुछ रणनीति होने वाली है केंद्र सरकार की तरफ से बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, शेख हसीना को लेकर, इस पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। और इस पूरे प्रकरण को लेकर संजय राउत का क्या कहना है, सुन लीजिए आप। वो रिजाइन भाग गए, जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है, और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है, उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। वही देखिए, सर्वदलीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री, विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं, बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर।
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर है, कोई भी डेवलपमेंट होगा सरकार विपक्ष को बताएगी। ये बातें भी उन्होंने कही। बांग्लादेश में अभी करीब 13,000 भारतीय हैं, तो देखिए इन भारतीयों की सुरक्षा भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, इसके बारे में अपडेट दी जाएगी, इस बात का जिक्र किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। वहीं बांग्लादेश में बन सकते हैं 4 सिनेरियोज, जिसको लेकर ये अहम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। पहला सिनेरियो जिसके मुताबिक छात्रों को इंसाफ दिलाने के बहाने सेना संभाल सकती है सत्ता, और दूसरे ऑप्शन में सेना कमान संभाले और सामान्य हालात जो है वो बनाने की कोशिश करे। अब शेख हसीना का रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ फैसला वहां पर शेख हसीना सरकार की तरफ से लिया गया था। जीडीपी विकास दर जो है वो 5.7% वहां पर रही, बेरोजगारी दर जो है वो 3% रही, जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस यूके से ज्यादा रही, पाकिस्तान से बड़ी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश बना। अब देखिए पड़ोसी देशों में अशांति बढ़ रहा है, चीनी दखल जो चीन का जो इंटरफेरेंस है वो तमाम मुल्कों में जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी वजह से हर मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने इसका कैसे खामियाजा भुगता ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जहां पर सेना के इशारे पर काम करती है शहबाज सरकार भी पाकिस्तान का रुख बता रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत के कदम को लेकर विस्तार से जानकारी के साथ ही मेरे सहयोगी केएम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। केएम, हम आपके पास जाना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कृष्ण मोहन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत क्या कदम उठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जिसका जवाब ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी आखिर। भारत एक्सप्रेस कल से बता रहा है, कल मैं विदेश मंत्रालय गया था उसके बाद जो जानकारी मिली थी उसके बाद से भारत एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि जब पार्लियामेंट में सदन की कार्यवाही चल रही हो तो सदन की कार्यवाही चलने के दरमियान सरकार के बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, तो जो लिमिटेशन में जो सबसे पहला काम होता है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उसके बाद CCS की बैठक हो, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हो, वो दोनों तीनों बैठक हो गई हैं जी। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात ही सर्वदलीय बैठक हो गई, इसके बाद जो सहमति बनेगी उस पर ये देखा जाएगा। क्योंकि सवाल ये होता है कि हमारा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा रिश्ता बांग्लादेश से है, ना कि हमारा रिश्ता शेख हसीना से है या खालिदा जिया से होने वाला है। और सवाल ये है कि ऐसी कोई पैक्ट भारत सरकार कोई अनाउंस नहीं करेंगे कि वहां की वजह से फिर हमारे यहाँ कोई स्पोरैडिक वायलेंस शुरू हो जाए, तो ऐसे में सरकार के लिए जो कूटनीति है, कहते हैं कि कूटनीति उसके बारे में कहते हैं कि कूटनीति जो है वो आपके फिजिक्स से भी ज्यादा टफ है और मैथमेटिक्स से भी ज्यादा उलझा हुआ विषय है। तो ऐसे में सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। और जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं नहीं कतई नहीं चाहेगी कि शेख हसीना को यहाँ पे एक तरीके से असाइलम दिया जाए जिसका विरोध पूरे देश में शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी आपको 3-4 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा और विदेश मंत्री जब संसद में बोलेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि भारत का क्या स्टैंड है शेख हसीना पर। अच्छा कृष्ण मोहन, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति क्या है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे खालिदा जिया जिनका आपने रुख किया, हाल ही में देखिए राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें जेल से रिहाई की बात कह दी गई है, क्या बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री हो सकती है खालिदा जिया, या फिर जिस सेना की तरफ से जो अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई है उसकी जिम्मेदारी खालिदा जिया को दी जा सकती है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है? जो एंट्रिम सरकार बनाई जा रही है सेना की निगरानी में बनाई जा रही है, यानी सेना उसको कंट्रोल करेगा। सेना जब कंट्रोल करेगी तो उसके बाद ये देखना जो सबसे पहले उनके प्राथमिकता, उनके तीन पहली प्राथमिकता है। एक तो इकोनॉमिक व्यवस्था उनकी चरमरा चुकी है, आपने बोला कि वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है, तो मैं कहता हूँ कि 450 बिलियन की उनकी इकोनॉमी और ग्रोथ रेट जो है करीब 6 के करीब है। लेकिन लोगों ने यह बताया कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया है, जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं दे पाए, तमाम तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी अपनी जगह पे है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब किसी भी मुल्क में इस तरीके की वाकया को कोई अंजाम दे रहा होता है तो जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का मतलब है ISIS है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, उसके बाद उनके यहाँ जो रेडिकल इस्लाम है,
ये सब वहां पे सिर उठाएंगे। तो सेना के लिए ये कोई चुनौती बहुत आसान नहीं है। सेना को ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में शांति स्थापित कैसे हो। सरकार तो बाद में बनाएंगे, लेकिन पता चल गया कि आपका बांग्लादेश ही नहीं रहा, बांग्लादेश को ही जला दिया, तो सरकार क्या बनाओगे जी? तो उस पे जो सबसे बड़ी सरकार की चुनौती है, चाहे वो इंटरिम सरकार में खालिदा जी आए, चाहे वहाँ पे जो बात हो रही है कि सलाहुद्दीन अहमद की नेतृत्व में या उनके सलाहकार समिति में एक सरकार बनेगी, उनकी सबसे पहली चुनौती ये है कि वहाँ पे शांति स्थापित हो। और भारत की सबसे पहली चुनौती ये है कि जो हमारे 13,000 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके की खबर कल आ रही थी कि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पे हमले हो रहे हैं, टारगेटेड उनके किलिंग हो रही है, जिसपे विश्व हिंदू परिषद का करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस पर ये उनको एक मैसेज दिया गया है कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग आपके देश में हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने KM, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि कोई प्लान सरकार का इन हिंदुओं को निकालने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, क्या कोई कदम उठाया जा रहा है क्या? 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक सेफ इवैक्यूएशन वहां से होगा, और इतनी बात मैं जरूर अपने दर्शकों को बता सकता हूं कि वो भारत के जितने भी लोग हैं वहां पे सुरक्षित हैं, और बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो तमाम लोग अगर मिल के भी चाहें कि भारतीय मूल के लोगों को कोई वहां पे बाल बांका कर दे, तो उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो जो सरकार की स्ट्रेटजी है, सबसे पहले कि इंडियन को सेफ पैसेज करके भारत लाया जाए। भारत लाने के बाद जो हमारे वहां पे हिंदू करीब 1 करोड़ आबादी है, उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। उसके बाद वो चाहे वो खालिदा जिया की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, जो हमारे भारतीय मूल के लोग वहां पे है, आप उनको कैसे छू लोगे? और छू लोगे तो आपको एक की जगह पे 11 का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है, मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक विदेश मंत्रालय की तरफ से हो सकता है कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तो विदेश मंत्री एक अपना स्टेटमेंट जारी करें। अब बिल्कुल, और KM ये भी हम कृष्ण मोहन आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से स्थिति बांग्लादेश की अचानक 2 महीनों में बिगड़ गई, उसके बाद आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। सूत्र ये जानकारी दे रहे थे कि ये बाकायदा प्लान किया गया था, और प्लान किसने किया था? सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि खालिदा जिया के जो बेटे थे उन्होंने ISI के साथ मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया था शेख हसीना की सत्ता को तख्ता पलट करने के लिए। किस तरह की जानकारियां, जो विदेशी मामलों के वो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ISIS का इन्वॉल्वमेंट तो नजर आ रहा है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा उटपटांग देश है जहां के हर लोग जो है वो रेडिकल इस्लाम की बात करता है, उनके लिए दूसरे को मारना बहुत सामान्य बात है। हम मारेंगे, मरेंगे, नहीं होगा तो खुद को जला लेंगे, उनकी अपनी एक सेफ नीति है, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप ही को जला देंगे हम। तो सबसे बड़ी जो बांग्लादेश की चुनौती है कि पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के टेरर लश्कर ए तैयबा है, या जो तमाम ऐसे आतंकी संगठन है, उनकी एंट्री ना हो, क्योंकि अगर ISIS के साथ अगर उन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के एंट्री अगर बांग्लादेश में किसी भी तरीके से हो जाता है, तो ये अपमान के चलिए कि अगले 6 महीने में बांग्लादेश जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। और कृष्ण मोहन, अब हमारी सरकार की अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति देख रहे हैं आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी मुस्तैदी लगातार BSF की बढ़ गई है, बाकी जो बॉर्डर एरियाज जो बांग्लादेश से कनेक्टेड है उन पर भी मुस्तैदी देखी जा रही है, क्या कदम भारत की सुरक्षा करने के लिए, ताकि घुसपैठ की कोशिश ना हो, यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं बॉर्डर्स पर? देखिए, BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी प्राइमरली जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की सुरक्षा करे, उनको कल अलर्ट कर दिया गया था, उनके जो चीफ थे उनको कोलकाता भेजा गया था, क्योंकि सबसे नियरेस्ट बॉर्डर हमारा वही है। इसके अलावा कल मैं गृह मंत्रालय भी गया था, जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो हाई लेवल मीटिंग हो रही थी, उसमें हमारे तीनों वायुसेना, जलसेना और थल सेना तीनों चीफ को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया गया था कि ऐसी कोई स्थिति होती है जो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट को जन्म दे, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि भारत के लिए एक विचित्र स्थिति है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है आज अभी है, रात में नहीं है। उसके बाद आप श्रीलंका में चले जाओ, वहाँ की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज्ड है। आप नेपाल में चले जाओ, वहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल है। उसके बाद आप चले जाओ, तो आप आ जाओ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट अनस्टेबल है। उसके बाद आप अगर हम बात करें साउथ एशिया में, साफ्टा की बात करें, तो उसमें अगर हम बात कर लें तो भूटान की क्या स्थिति है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में भारत के लिए एक चौथरफा, एक मैं कहूं कि एक मुश्किल है
कि जब पूरे आपके पड़ोसी जो आपस में लड़ रहे हो तो अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहली चुनौती है उनके लिए। और खास करके जब मैं मुझे कहते हुए हंसी आ रही है कि जब एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हो तो आपके माथे पे आके पत्थर गिर जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं गिरेगा आपके माथे पे। तो भारत की सबसे पहली चुनौती ये है कि अपने बॉर्डर को सुरक्षित करे, और उसके लिए क्योंकि बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उसमें सब जगह किसी न किसी तरीके के इंटरनल क्राइसिस है, इंसर्जेंसी है, जिसके लिए भारत को हर समय तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। और कृष्णमोहन, एक और जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि शेख हसीना तो कल पहुंच गई है भारत, वो सेफ जोन में है, सेफ हाउस में है, लेकिन शेख हसीना की पार्टी के कुछ और नेता भारतीय उच्चायोग से, भारतीय एम्बेसी से संपर्क में है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी भारत में पहुंचे, अपने आप को सेफ महसूस कराएं। उनको लेकर क्या रुख रह सकता है सरकार का? इससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, भारत ने किसी को शरण दी है, सेफ महसूस कराया है, तो उन पर क्या रुख रहता है, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत एक सबसे सक्षम पड़ोसी देश है, और जो एक जो पड़ोसी का धर्म होता है उस धर्म के तहत कोई भी यहाँ पे आएगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए कि आप हमको एक सेफ पैसेज दीजिए या आप हमको रहने के लिए जगह दीजिए, तो भारत उसको मना करेगा ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दुख सुख दुख में बांग्लादेश हमारे साथ रहा है। बांग्लादेश का जो अगर हम कहें कि उद्गम हुआ है वो भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से जी रहे थे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो उनके लोग अगर आते, जैसे कल सूचना प्रसारण मंत्री का घर जला दिया गया, वहाँ पे जो उनके स्टेट टेलीविजन है उनके ऑफिस को जला दिया उन्होंने, वित्त मंत्री के घर पे कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट में अंदर घुस गए, तो वहाँ पे एक टोटल एनार्की है, टोटल एनार्की है। और डेमोक्रेसी को जीतने के लिए एनार्की से नहीं जीत सकते आप, वहां पे लोगों में विश्वास लाइए। मैं एक सवाल, कोई मेरे से फॉरेन एक्सपर्ट कह रहे थे कि क्या आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, 1971 के जो सर्वाइवर्स हैं उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो 1971 से आज के बीच का फासला जो है वो 53 साल का है, तो 53 साल में खालिदा जी और उनके पार्टी के लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? दरअसल इसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, इसमें लगता है कि चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना अपना इंटरवीन करके और श्रीलंका को बर्बाद कर चुका है। कोलंबो में उनका जो मात्रे एयरपोर्ट है, मैं वहाँ पे गया था, मात्रे जो है बिल्कुल बंजर की तरह है, और उनकी स्थिति और इकोनॉमी हम्बन टोटा जो पोर्ट बनाने की बात थी वो सब बिल्कुल वीरान है। उसी तरीके से पाकिस्तान का देख लीजिए, जो कॉरिडोर बनाने की बात थी वो भी वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि चीन का इसमें इंटरेस्ट है, ISIS का इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनको क्या असला बारूद बेचने का इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत एक तरीके से कहूँ कि फ्लूइड सा सिचुएशन है जिसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कृष्णमोहन, बने रहिए, एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को यहाँ पर दे देते हैं। शेख हसीना से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर बढ़ी हलचल, एम्बेसी की 2 गाड़ियां हिंडन एयरबेस पहुंची है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है, इस तरह की जानकारियां, एम्बेसी की 2 गाड़ियां हिंडन एयरबेस पहुंची है, ये बड़ी अपडेट पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है। तो शेख हसीना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर बढ़ी हलचल, तो एम्बेसी की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं, ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है, आपको बता दें कि हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में शेख हसीना मौजूद हैं, और ऐसे में हलचल हिंडन एयरबेस पर बढ़ चुकी है, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कृष्ण मोहन, मैं आपका रुख करूंगी, ये अपडेट सामने निकल कर आ रही कि हलचल तेज इस वक्त हिंडन एयरबेस में देखी जा रही है, एम्बेसी की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है, क्या जानकारियां? कि गाड़ी पहुंचना हलचल, जाहिर सी बात है कि हलचल होगी, लेकिन शेख हसीना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कैसे बांग्लादेश के मुल्क की वो कम से कम 15 साल प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनसे कटसी में भी मिलने जा सकते हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था की जायजा लेने जा सकते हैं, उनको ये भी बताने जा सकते हैं कि आपके परिवार के और कौन कौन लोग हैं जिनको लाने की आवश्यकता है, या ये भी हो सकता है कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है कि शेख हसीना अभी भारत में एक आध दिन और रहेंगी, तो जो इसलिए क्योंकि लंदन उनको भेजने की बात की जा रही थी, कि लंदन में उनका उनके सिस्टर रहती है, उनका अपना घर है, लेकिन लंदन से अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट से वहां पे जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता तो भारत की जिम्मेदारी है कि शेख हसीना के जान माल को कोई क्षति ना पहुंचे। वो हमारे क्या उनसे संबंध है, क्या आगे संबंध हो गए वो सेकेंडरी हो सकता है कि कल को खालिदा जिया
बेगम खालिदा जी आ जाएं तो उनके साथ भी यही हमारा व्यवहार होगा, क्योंकि हम एक पड़ोसी का धर्म निभा रहे हैं। और भारत का एक बता दिया कि G20 की मीटिंग हुई थी तो हमने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हाँ। और उसमें नरेंद्र मोदी का एक ऐसा इतना बड़ा परसोना है, इतना बड़ा कद है, बिल्कुल चाहेंगे कि शांति से क्या कदम शांतिपूर्ण तरीके से सेफली उठाए जा सके, इस पर भारत सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, विस्तार से जानकारियां इस खबर पर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।